हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे। नए टॉपिक का नाम है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी कॉम्पिटिशन में भी आपके पूछ देता है। तो हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस के बीच का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन मीन्स ये तुलना करना होता है कि कौन कितना गुना ग्रेटर है, कौन कितना गुना बड़ा है, कौन कितना गुना छोटा है। ये है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस Q1 and Q2 in vacuum is given by Coulomb's law, that is इलेक्ट्रिक फोर्स। आप पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस इन वैक्यूम इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस Q1 एंड Q2 इज सेपरेटेड स्मॉल r, Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। यहां पर लिख लेते हैं वैक्यूम इज सेपरेटेड बाय स्मॉल r इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। ध्यान से आप समझिएगा, दैट इज हम कर सकते हैं जब टू स्टैटिक चार्ज को स्मॉल r डिस्टेंस पर अगर कैप करते हैं तो उसके बीच में जो फोर्स एक्ट होता है, ये फोर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दिए थे। कूलम्स लॉ इज से दैट मींस कूलम्स लॉ स्टेटेड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर चार्जेस इज कॉल्ड द कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस Q1 एंड Q2 इज कैप्ट इन वैक्यूम इज सेपरेटेड बाय स्मॉल r डिस्टेंस इन इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। दैट इज हम कर सकते हैं FE इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 by small r square, this equation is 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय I1 dl1 and I2 dl2 of the conductor is, magnetic force is experienced by I dl1 and I dl2 of the यहां पर लिख लेते हैं ऑफ द पैरेलल
करेंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय हम लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई इनटू हम लिख सकते हैं आई वन आई टू बाय स्मॉल आर और यहां पर लिख लेते हैं ये डी एल वन और डी एल टू। ध्यान से समझिएगा जब टू पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं जिसमें करेंट हमारा आई वन आई टू हो और दोनों के डिस्टेंस हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस पे है हम लिखे नहीं आप ध्यान से समझिए एक मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय आईडीएल वन एंड आईडीएल टू ऑफ द पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट लिख सकते हैं इज केप्ट डिस्टेंस स्मॉल आर इज एफ एम इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई एफ एम मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई इन टू आई वन आई टू बाई स्मॉल आर डी एल वन डी एल टू। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है डी एल वन डी एल टू क्यों लिखे हैं यहाँ पे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ नहीं है अगर पर यूनिट लेंथ रहता है तो ये लेंथ यहाँ पर यूज नहीं करते हैं डी एल वन और डी एल टू यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय आई डी एल वन आई डी एल वन और ये आई डी एल टू कर सकते हैं तो सेंस हम जानते हैं यहाँ पर I1 DL1 ये I1 DL1 के जगह पर हम कर सकते हैं I1 के जगह पर Q1 by small t into DL1 या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं Q1 और DL1 by ये t कर लेते हैं आप जानते हैं एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी Here velocity of the electron which called is the drift velocity that is q1 v1 ध्यान से यहां पे समझिएगा i1 dl1 i1 dl1 ये जो है i1 के जगह पर q1 by t लिखे हैं q1 by t means charge by time is called electric current charge by time is called electric current तो q1 by t और dl1 कर दिए और ये t को इससे अगर डिवाइड किए dl1 by small t तो ये हम जानते हैं एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी बट हियर इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी सो वी कैन राइट गिवन q1 v1 सिमिलरली हम कर सकते हैं I2 dl2 is equal to q2 v2 जिस तरह से I dl1 is equal to q1 v1 है उसी तरह से I2 dl2 के जगह पर q2 v2 करेंगे इसको इक्वेशन हम 2 कर लेते हैं और फिर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू एफ एम इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू अब देखिए आई डी एल वन के जगह पर हम क्यू वन वी वन और इंटू हम इसके जगह पर क्यू टू वी टू बाई आर स्मॉल आर इसको इक्वेशन हम थ्री कर लेते हैं ध्यान से समझिए एफ एम इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू ये आई वन डी एल वन के जगह पर क्यू वन वी वन रखे हैं I2 DL2 के जगह पर Q2 V2 रख दिए बाय स्मॉल r इसको इक्वेशन हम थ्री कर लिए अब क्या करना है यदि हमें रेशियो पूछ रहा है कंपेरिजन पूछ रहा है तो उस कंडीशन में हम दोनों का इक्वेशन को डिवाइड करते हैं मीन्स डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन थ्री यहां पर लिख सकते हैं
यहां पर लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन थ्री, सो एफ ई बाय एफ एम। जब भी डिवाइड करना हो तो राइट हैंड को राइट हैंड तरफ और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड तरफ डिवाइड करते हैं, तो एफ ई बाई एफ एम इज इक्वल टू एफ ई की जगह पर 1/4 pi epsilon naught इंटू की वन की टू बाय स्मॉल आर स्क्वायर और बाय यहां पर हम लिखेंगे एफ एम की जगह पर हम लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 pi इंटू ये स्मॉल आर स्क्वायर, ध्यान से समझिए डी का स्क्वायर है, ये हम लोग का ये एफ एम इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर है, ध्यान से समझिएगा ये आर स्क्वायर, ये हम कर सकते हैं क्यू वन वी वन इंटू क्यू टू वी टू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये म्यू नॉट ये फोर पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू कैंसिल हो जाएगा, सो हम लिख सकते हैं एफ ई बाय एफ एम इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्या ये 1/ ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू वी वन वी टू, ध्यान से समझिएगा ये जब कटाते हैं तो ये बचेगा क्या 1/ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वी वन वी टू होगा। अब हम जानते हैं सिंस वी नो दैट c इज इक्वल टू 1/ अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट करते हैं वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट करते हैं और आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है एंड वी लिख लेते हैं यहां पर एंड वी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इज इक्वल टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, सो हम लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। यहां जो है 10⁻⁵ जो है इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है और c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो वैल्यू होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब क्या करते हैं इसका वैल्यू पुट करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 4 कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लिख सकते हैं एफ ई बाई एफ एम इज इक्वल टू 1/ एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर और बाय म्यू नॉट सी स्क्वायर बाय इसको हम लिख सकते हैं वी वन और वी टू, सी की जगह पर हम वैल्यू पुट करते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर और बाय वी वन वी टू की जगह पर हम 10⁻⁵ × 10⁻⁵ कर लेते हैं। इसको कैलकुलेशन करेंगे
कैलकुलेशन बहुत इजी है। ध्यान से आप समझिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो एफ ई बाई एफ एम इज इक्वल टू 3 3 9 और 10 to power ये 16 हो जाएगा और बाय ये आपका हो जाएगा 10 to power -10 हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 9 into ये 10 to power ये -10 जब अपर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +10 और 16 ये हो जाएगा 26। या फिर हम लिख सकते हैं एफ ई बाई एफ एम अप्रोक्सीमेट 10 to power 27 या फिर हम लिख सकते हैं एफ ई अप्रोक्सीमेट 10 to power 27 टाइम्स ऑफ द एफ एम मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन 10 to power 27 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। यहां पे ध्यान से समझिएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो 10 to power 27 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स होता है। और एक और हम लोग पढ़े हुए थे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की बात किए थे। हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करवाए थे या कंपेरिजन करवाए थे कि कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहां पर आपको बताए थे कि एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू 10 to power 36 मीन्स एफ ई इज इक्वल टू 10 to power 36 टाइम्स ऑफ एफ जी ये आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। तो इसको याद रखे रहिएगा, यदि आपको याद है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर 10 to power 36 टाइम्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स और हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन 10 to power 27 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा देयर आर 4 types ऑफ फोर्स न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हम लोग जानते हैं तो देयर आर 4 types ऑफ फोर्स। इस 4 type ऑफ फोर्स में सबसे ज्यादा जो पावरफुल फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज 100 times ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स 100 times ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 to power 36 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड 10 to power 27 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ये याद रखिएगा, कभी कभी ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस फोर्स इज ग्रेटर देन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हमेशा किया जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन 10 to power 27 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन द 10 to power 36 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसी तरह से हम लोग नए नए थ्योरी के साथ नए नए टॉपिक के साथ फिर मिलते रहेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम लोग नए टॉपिक में फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।